नमस्कार टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस संधि टॉरस से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और ये 3 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम वर्क को देख टॉरस देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी आप उनकी फीलिंग्स क्या हैं, फिर देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप एक दूसरे से चाहते क्या हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ, वो उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। तो टॉरस जो आपके पर्सन हैं उन्हें फील हो रहा है कि टॉरस को या तो इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, चाहे उन्हें कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना हो रहा तो उन चीज़ों से मूव ऑन करते हुए उन्हें इस रिश्ते में एक बिगनिंग एक शुरुआत कर देनी चाहिए। या फिर अगर वो इस रिश्ते में नहीं रुकना चाहते तो इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे लोगों के बीच में जाना चाहिए जहाँ उन्हें फिर सुकून और शांति मिले। तो ऐसा वो आपके लिए भी महसूस कर सकते हैं और जो आपके पर्सन हैं उनके लिए भी ऐसा वो फील कर सकते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो टॉरस जो आपके पर्सन हैं उन्हें महसूस हो रहा है कि अगर वो इस रिश्ते में नए सिरे से उन चीज़ों को मूव ऑन करते हुए जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, उनको मूव ऑन करते हुए वो अगर करेज हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़े, एक बिगनिंग एक शुरुआत करें और ये जो भी इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न है, जो भी परेशानियाँ हैं, आँखों से पट्टियाँ खोलते हुए वाद विवाद करने की बजाय अगर जो इस रिश्ते में जो आमने सामने बातें नहीं हो पा रही हैं, या तो आप नहीं कर पा रहे हैं या तो आपके पर्सन नहीं कर पा रहे हैं या दोनों तरफ से ही नहीं हो रही है, अगर हो भी रही हैं तो अच्छे लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं, ठीक से नहीं हो रही हैं, तो उस कन्फ्यूज़न से इस वर्ड्स रूपी दीवार से अगर बाहर आते हुए बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के आप एक दूसरे से बातें करते हैं तो धीरे धीरे करके ये किले और सिकवे ख़त्म होंगे और इस रिश्ते में क्लियरली बातें करेंगे। तो जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी परेशानी, जो भी दुविधा है वो ख़त्म होगी। वो महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन कि इसमें उन्हें एक दूसरे से क्लियरली बातें करनी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए। चाहे उसके लिए उन्हें टूर ट्रैवल करके एक दूसरे के पास क्यों ना आना या जाना पड़े, या फिर अगर दूर रहते हैं तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू अगर हिम्मत करेंगे, साहस करेंगे तो ये कन्फ्यूज़न, ये परेशानी, ये दुविधा ख़त्म हो सकती है और फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग एक शुरुआत हो सकती है। और अगर वो नहीं चाहते, वो अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर के लिए या किसी चीज़ के लिए फ़ौरन में रहते हैं या दूर जाना चाहते हैं तो उन्हें इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए इस रिश्ते से मूव ऑन कर देना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो उन्हें इसका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं कि ऐसा हो जाना चाहिए। तो टॉरस अब देखते हैं कि आप क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए या खुद के लिए। तो टॉरस आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में उनकी वजह से काफ़ी नेगेटिविटी है, इन एंड ऑफ की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, रिश्ता बन नहीं पा रहा है, वाद विवाद है, कभी रिश्ते में रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है। तो उनको वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, वो काफ़ी कन्फ्यूज्ड हैं, काफ़ी परेशानी में हैं। एक तरफा उनको लग रहा है कि इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हुए उन्हें जो ये रिश्ता अधर में लटका हुआ, जो क्रॉस मार्ग पर है, उन्हें फिर से इस रिश्ते में एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू कर देना चाहिए। चाहे उनके पर्सन ने उन्हें कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना दिया हो, लेकिन
फिर भी वो अगर उठेंगे चलेंगे एक बिगनिंग एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके जो इन एंड आउट की स्थिति है जो परेशानी और दुविधा वो ख़त्म हो सकती है। या फिर दूसरी तरफ उनको लग रहा है कि वो उनके पर्सन ने काफ़ी दुख तकलीफ दिया है और अब वो इस कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, वो उन पर विश्वास नहीं कर सकते, वो उन पर भरोसा नहीं कर सकते, उन्हें इस रिश्ते में डाइवोर्स चाहिए और वो इस क्योंकि वो इस लायक ही नहीं कि वो इस सोर्स रूपी दीवार से बाहर निकल सके। तो वो कन्फ्यूज़न की स्टेट में है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। कुछ केसेज में वो इस रिश्ते में फिर से एक मौका और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे चाहे उनके साथ कुछ भी हुआ हो, और कुछ केसेस में वो ये डिसाइड करेंगे कि वो क्योंकि उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, वो इस रिश्ते से बाहर निकलकर अपनी नई दुनिया में आगे कदम बढ़ाएंगे। तो देखते हैं टॉरस आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। अभी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स चली हुई थी, अब देखते हैं आप चाहते क्या एक दूसरे से। टॉरस जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, सेल्फ अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर अपना नेम फेम जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी प्रॉपर्टी इन सब चीज़ों पर फोकस करेंगे, इन पर ध्यान देंगे तो चीज़ें अपने आप उनके हक में आएंगी। या फिर पहले क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है तो उन्हें इस प्यार व्यार के चक्कर को भूल जाना चाहिए और सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। तो हमारे पास कार्ड्स आए 7 of Swords, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 of Cups। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे और परेशानी में नहीं रहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री, कोई ऐसा रहस्य सामने आ गया है जो नहीं आना चाहिए था, कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है जो नहीं होनी चाहिए थी। तो इसलिए उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, काफ़ी परेशानी और दुविधा है, वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे और अगर नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसकी तरफ जाएंगे, और जब तक नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती या फिर इन चीज़ों में बिल्कुल कमिटमेंट वगैरह नहीं होता, एक ठहराव नहीं आता, सिचुएशन सही नहीं हो जाती, जब तक वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपने नेम फेम जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी इन चीज़ों पर फोकस करेंगे अभी, क्योंकि इस रिश्ते में क्लियरिटी नहीं है, कोई भी सच्चाई दिखाई उन्हें नहीं दे रही है, उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में झूठ है, फरेब है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अभी वो इस रिश्ते से बाहर निकलते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं। देखते हैं टॉरस आप क्या चाहते हैं। आप इस रिश्ते में स्टैंड लेने के लिए रेडी हैं। आपको लगता है कि अगर आप इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे अपने लिए या अपने प्यार के लिए तो धीरे धीरे करके चीज़ें उनके हक में आ सकती हैं, शायद ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। आप इस रिश्ते से बाहर नहीं निकलना चाहते, तो आपके इसमें कार्ड्स आए बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 5 of Pentacles। तो जो भी इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, तो अगर एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करेंगे तो धीरे धीरे करके ये कन्फ्यूज़न दूर हो सकती है, जिससे वो अकेले पड़ गए हैं, उनको चाहकर भी वो कोई भी डिसीजन मतलब ये इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते। तो टॉरस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो नज़रें घुमाएं, अगर वो नज़रें घुमाएंगे, मदद लेंगे तो उन्हें अभी भी प्यार मिल सकता है, अभी भी मोहब्बत मिल सकती है और उन्हें जस्टिस मिल सकता है। अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे तो ये रिश्ता अभी भी न्यायप्रिय हो सकता है, जस्टिस मिल सकता है, और इसके लिए वो अपनी टीम एनर्जी टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं।
परिवार फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो सपोर्ट लेंगे, मदद लेंगे, तो ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है। इसलिए वो आपसे चाहते हैं या आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, उनकी मदद लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ेंगे, मदद लेंगे, नज़रें घुमाएंगे, तो अभी भी वो उनकी मदद करने के लिए रेडी और तैयार है। इसका आउटकम देख लेते हैं टॉरस। द आचार्य इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, अगर डिटर्मिंड बंदे की तरह करे हिम्मत और साहस के साथ। टॉरस, या तो आप या तो आपके पर्सन डिटर्मिंड बंदे की तरह बिना हार माने, बिना गिव अप किए, एक सिपाही की तरह आप आगे बढ़ रहे हैं। आपने ठान लिया है कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, आपको इस रिश्ते में वापस आना है, यूनियन चाहिए, रिकॉन्सिलेशन चाहिए, तो इसलिए आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाना चाहते हैं। 12 की 12 राशियां इसमें आपका साथ देंगी। इसको क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए, द चैरियट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो इसमें टॉरस, या तो आप दोनों ने ही डिसाइड किया है, या आपके किसी आपने या आपके पर्सन ने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। आप शायद दोनों ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, तो क्लियरली आप एक दूसरे से बातें करना चाहते हैं, उस कन्फ्यूज़न को, उस परेशानी को, उस दुविधा को ख़त्म करते हुए इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करने वाले हैं, क्योंकि आप हार नहीं मानने वाले हैं। आपने हिम्मत करते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। काफ़ी पॉजिटिव इसका जो है आउटकम बहुत पॉजिटिव है, रिकॉन्सिलेशन की तरफ ये इशारा कर रहा है, रीयूनियन की तरफ इशारा कर रहा है। और इस ये रिश्ता अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी, तो ये रिश्ता एक नया मोड़ लेगा, फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते में वापस मिलती दिखाई दे सकती हैं। देखते हैं गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़, टॉरस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। टॉरस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। द डेविल, द हैंगमैन, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि पहले आपको उन एडिक्शन को, उन लस्ट को छोड़ना पड़ेगा जो आपके अंदर है। अगर आप दोनों उन लस्ट से बाहर आ जाते हैं, उन लस्ट एडिक्शन से बाहर आ जाते हैं, या चाहे आप थर्ड पार्टी में हैं, या आपके पर्सन थर्ड पार्टी में हैं, या फिर कुछ ऐसी लस्ट है, कुछ ऐसे एडिक्शन है जो इस रिश्ते को पॉजिटिव नहीं होने दे रही है, तो उस गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग कार्ड्स, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव होना, नेगेटिव सोचना, थर्ड पार्टी में होना या उसके बारे में सोचना, उन चीज़ों को छोड़ते हुए अगर पॉजिटिविटी लाते हैं और इस रिश्ते को में स्पिरिचुअल ग्रो करते हैं, तो आपका नज़रिया चेंज होगा। या तो आपका नज़रिया चेंज होगा, या सामने वाले के नज़रिए से अगर चीज़ों को देखेंगे तो इसमें पॉजिटिविटी आएगी। और अगर इसमें जंप ना लगाते हुए सोच विचार करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है और चीज़ें फ्रूटफुल और कामयाब हो सकती हैं। तो आपको अगर इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं, तो इसमें आप कमिटमेंट वगैरह दीजिए और स्पिरिचुअल ग्रो हीलिंग कीजिए, अपना नज़रिया चेंज कीजिए, पॉजिटिविटी लाइए और जो भी नेगेटिव सिचुएशन रही है उससे बाहर निकलिए, नहीं तो ये रिश्ता टॉक्सिक बन सकता है। इस टॉक्सिक सिचुएशन से बचने के लिए अपना नज़रिया चेंज करना होगा, पॉजिटिव बनना होगा, तब ये रिश्ता स्टेबल होगा, तब ये खुशहाल होगा, रीयूनियन होगा और रिकॉन्सिलेशन होगा। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।